हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं अमित, आपका होस्ट। और आज हम काफ़ी दिनों बाद करेंगे टेक अनबॉक्सिंग, एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं ट्रैवल के ऊपर, टेक के ऊपर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन दिया हुआ है। एंड आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो, और हम आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा देख सकते हैं आप, अमेज़ॉन का पार्सल है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा अमेज़ॉन का पार्सल है, एंड इसको मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। एंड इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर हम आइए देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जैसे कि बॉक्स से आपको आइडिया लग जाएगा, ये है हमारा एप्पल का आईपैड मिनी, 64 GB वेरियंट है। तो ये देख सकते हैं, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड डिटेल्ड एक रिव्यू करेंगे। तो उसका वीडियो मैं आपको बना के पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा क्यों लेना चाहिए आपको ये आईपैड, एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं। एंड अभी इस पे जो मुझे डील मिली है, ये नॉर्मली आपको 34,000 का मिल जाता है मार्केट में, बट मुझे 29,000 का पड़ा है अमेज़ॉन से HDFC के कैशबैक के बाद। तो बहुत ही अच्छी डील है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, एंड आप वेट भी कर सकते हैं और भी किसी डील के लिए, बट हम प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा बताते हैं। तो ये है फ्रेंड्स उसका बॉक्स, एंड आइए चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है हमारा बॉक्स, एंड सामने की तरफ जो हमारा आईपैड है उसका एक पिक्चर बनी हुई है साइड से, एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आईपैड मिनी लिखा हुआ है, एंड पीछे आपको स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, इस साइड भी आईपैड मिनी, एंड इधर एप्पल का लोगो है। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकेशन जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसमें 64 GB वाईफाई वेरिएंट है ये आईपैड मिनी का, एंड इसमें आप देख सकते हैं इंक्लूड्स आईपैड मिनी लाइटनिंग टू USB केबल एंड USB पावर अडाप्टर्स। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एंड इसका प्राइस भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं 34,900 MRP मिलता है, बट ये मैंने आपको जैसा कि बताया मुझे 29,000 का पड़ा है। तो ये हमारी बाहर की पैकिंग है, एंड आइए हम देखते हैं अंदर की तरफ। तो इस तरीके से हम इसको पील ऑफ कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, तो ये हमारा बॉक्स है पूरा, एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है फ्रेंड्स हमारा ऊपरी आईपैड मिनी, इस तरीके से हम इसको उठा सकते हैं, एंड ये रोज़ गोल्ड कलर है इसका, गोल्ड कलर में है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर। पीछे मैट फिनिश आपको मिल जाएगी, एंड एप्पल का बड़ा सा लोगो मिलेगा, एंड आईपैड लिखा हुआ मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे आपको 8 MP का कैमरा मिल जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं देख सकते हैं आप, एंड सामने की तरफ आपको 7 MP का कैमरा मिल जाता है, एंड ये हमारा टच आईडी, एंड ये 8 इंच की स्क्रीन है इसकी, 8 इंच साइज़ है यहाँ से इस तरीके से। एंड लेफ्ट साइड में आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ स्पीकर एंड माइक्रोफोन का मिलेगा, एंड चार्जिंग का लाइटनिंग अडाप्टर पोर्ट मिल जाता है, ये देख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं इस तरह का लुक आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा टच आईडी मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं टच आईडी है, एंड ये जो हमारा फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा 8 MP का, एंड आप ये जो देख रहे हैं ये नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, तो ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए है, एंड तो काफ़ी स्लीक सा है, पकड़ने में आप इजीली वन हैंड से होल्ड कर सकते हैं इसको, ये देखिए मैं इस तरीके से पकड़े हूँ इसको, एक हैंड से भी आप होल्ड कर सकते हैं, एंड इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, बाकी आपको आईपैड से काफ़ी कम मिलेगी, ये देख सकते हैं थिकनेस बहुत ही कम है इसकी। तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हम और भी कंटेंट्स आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, एंड ये हमारी लाइटनिंग टू USB केबल है जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, ये देख आईपैड मिनी की एक गाइड है, एंड और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं देख लेता हूँ, और स्टिकर्स हैं, ये देख सकते हैं आप एप्पल के स्टिकर्स हैं, और ये बस इसमें इतना ही था।
एंड आप ये देख सकते हैं, और ये कनेक्टेड वाला है, मतलब इसको आपको थोड़ा फिट करना पड़ता है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह की का आपको मिलता है, एंड इसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, देख सकते हैं पॉइंट्स, एंड ये इससे इसमें मेल फीमेल को आपको इस तरीके से एंड ऐसे करेंगे तो ये पूरा आपका पावर ब्रेक बन जाएगा। एंड आइए इसकी भी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5.1 वोल्ट्स एंड 2.1 एम्पियर, सो ये 10 वाट का चार्जर है। तो जो नॉर्मल का हम आईफोन के साथ मैंने आपको दिखाया था, मेरे आईफोन 11 के साथ, उससे ज़्यादा फास्ट है, एंड हम इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा USB के कनेक्टिविटी के लिए है, एंड इस टाइप का अडाप्टर है। आइए देख लेते हैं और भी क्या कंटेंट्स हैं बॉक्स में। तो और मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ भी नहीं है, बॉक्स एम्प्टी है, बस इतना ही कंटेंट था। तो हमारा इसमें आईपैड था, आपको मैं दिखा देता हूँ कंटेंट एक बार और, आईपैड था हमारा, ये पावर केबल है, लाइटनिंग टू USB केबल है, एंड ये पावर अडाप्टर है। तो बॉक्सेस को साइड में रख के आइए इसको हम ऑन करके देखते हैं। एंड ये हमारा पावर बटन है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला पावर बटन है, तो यहाँ से हम इसको प्रेस करके ऑन करेंगे, तो इस तरीके से आएगा, ये एप्पल का लोगो आता है स्टार्टिंग में। एंड ये फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम बूट करके इसको दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हमारा ये आईपैड ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन इस तरीके से, इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, एंड यहाँ से आप स्वाइप करेंगे तो रीसेंट ऐप्स आ जाएंगे। एंड सेटिंग्स में हम चेक करते हैं कि इसका जो हमारा अभी अपडेट है कौन सी है, तो यहाँ पर हम जनरल में जाके एंड इसमें हम सॉफ्टवेयर अपडेट में देखते हैं कि कोई अपडेट आई है कि नहीं अभी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें iOS 14.2 की अपडेट आ चुकी है, जो कि 2.71 GB की है, एंड इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ये लेटेस्ट वर्जन है iPad का 14.2, एंड इसमें बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एप्पल के डिवाइसेस में इंस्टेंट अपडेट्स आती हैं और सेम डे आती हैं, तो आज क्योंकि मैंने लिया है इसलिए आज ये अपडेट आई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एप्पल ID से साइन अप करना पड़ता है, एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, सबसे ज़्यादा बढ़िया iMovies इसमें सॉफ्टवेयर है, इससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। एंड आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, ये फील बहुत लाइट होता है, बहुत ही लाइट आपको लगेगा, एंड आपको लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल इतना बड़ा आप 8 inches का टैब होल्ड कर रहे हैं, आपको बहुत लाइट लगेगा। एंड कैमराज भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, 7 MP का फ्रंट कैमरा है एंड 8 MP का रियर कैमरा है, दोनों ही कैमरे बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I hope to see you in my next video. Till then, stay safe and stay healthy. Goodbye.